यूपी में 40 जिंदगियों की जान पर तब बनाई जब इन यात्रियों का स्टीमर बंद हो गया और घाघरा नदी की धाराओं में फंस गया। स्टीमर करीब 4 घंटों तक नदी की बीच धारा में फंसा रहा। सभी यात्री सीतापुर के सरहद से नदी मार्ग से बहराई जा रहे थे। दरअसल स्टीमर के इंजन में अचानक आई खराबी के कारण इंजन बंद हो गया और यात्रियों की जान पर बनाई। स्टीमर बिल्कुल जस्ट किनारे आ चुका रहा है, करीब 11:15 बजे इंजन फेल हो गया उसका, तो फिर बहते बहते चला गया वहाँ मुरहुआ तक। क्या लग रहा था उस समय जब स्टीमर बह रहा था, तो लग रहा था बचो तब तो जनता रहन की अब कहाँ जिंदगी रखी। जैसे इस बात की सूचना स्थानीय प्रशासन को लगी, प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए 4 छोटी नावों की मदद से फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला। धारा में स्टीमर बह करके थोड़ी दूर जाकर के लग गया था, बीच धारा में रुक गया था और उसको फिर रेस्क्यू किया गया। 4 नावें भेज करके यहाँ से स्थानीय लोगों की मदद से, जो यहाँ पे नावें थी उनको भेज करके सभी लोगों को सकुशल बचा लिया गया। 36 लोग थे करीब, और 4 अभी स्टीमर भी बन गया है, स्टीमर भी वापस आ गया है, सभी लोगों को बचा लिया गया। इसके अलावा फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई। दरअसल घाघरा नदी में लोगों की सुविधा के लिए पीडब्ल्यूडी स्टीमर चलवाती है, लेकिन स्टीमर को नदी में जाने से पहले चेक नहीं करना एक बड़ी लापरवाही है। सवाल ये उठता है कि अगर यह हादसा कोई बड़ा रुख ले लेता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। बहराइच से न्यूज एक्सप्रेस के लिए तारिक अहमद की रिपोर्ट।